सो हेलो गाइस, कैसे हो? इस वीडियो को किस स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं तो आइलैंड पे एंड आज की वीडियो में मेरी आवाज़ तुम्हें थोड़ी सी अलग मिल सकती है भाई। यू नो वो एनर्जी और वो वॉइस क्वालिटी नहीं रहेगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है ना। मैंने कुछ गलत पिया ना कुछ ठंडा पिया, पता नहीं क्यों। I need a weapon. अब यहाँ ऊपर जो बंदा था, यस वो नीचे कूद जाता है। आगे बढ़िया फाइट हो रही है, क्या मैं कोई किल चोरी कर सकता हूं? वाई नॉट, इतने सारे लोग गोली चला रहे थे भाई, मेरे को पता था कोई ना कोई तो रेंग था वो मेरे को मिल ही जाएगा। एंड यस, एक और मैंने किल चोरी करा। मैं सोच रहा था यार कभी मतलब इसका टीममेट अंदर की तरफ होना, बट नहीं, क्योंकि उसके फुटस्टेप्स मुझे आ रहे थे राइट साइड से हल्के से। तो अभी देखो मैं एकदम से पहले कवर में आया कि भाई इसको मारने के चक्कर में कभी यू नो सीन ना हो जाए। और आगे किसी ना किसी को नॉक करा उसने, देखो। और अब फिनिश भी, वेल देखो राइट साइड से भी गनशॉट्स की आवाज आ रही है, तो मे बी हाँ आइलैंड के बाद ही मेरे को बढ़िया किल्स मिलेंगे। फिलहाल तुमने देखा सामने भाई वो बंदा क्या ही स्पीड में भाग रहा था, मतलब बहुत सही स्पीड थी। तो मेरे ख्याल से उसने कुछ एक्स्ट्रा रुपीस खर्चे अपने हैक्स पे। हक दिया भाई, इस बंदे ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पता नहीं इसका कहाँ भागने का प्लान था। मुझे तो लगा था, हल्की सी धकधक हो गई थी मेरे को कि भाई यार बंदा आएगा एकदम से स्पीड में ना भाग जाए, बट इससे घंटा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल मेरे को तो बहुत सॉलिड स्टार्ट मिल चुका था 5 किल्स का। अब आगे की तरफ बंदे थे मैंने बताया था, तो मैंने देखा। एंड देखो तुमने एक पर्पल आउटफिट बंदा दिखा मेरे को, बिल्कुल मिली सेकंड के लिए दिखा था, मैं तुम्हें वापस दिखाऊंगा क्योंकि बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाला है। मेरे ख्याल से वो बंदा तुम्हें दिख गया होगा, पर्पल आउटफिट राइट। तो मैं बिल्कुल अलर्ट होकर जाता हूँ यहाँ से कि भाई बंदा मिलेगा मुझे सामने रेडी। मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ तब तक मैं अलर्ट था, मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा था बंदा मिलेगा, बट मेरे भाई कोई नहीं होता यहाँ पे। मैं गैराज तक पहुँचता हूँ, गैराज तक भी बिल्कुल अलर्ट होकर जाता हूँ कि कोई है आसपास, कोई है, बट कोई भी नहीं होता भाई। मैं बता रहा हूँ बहुत गंदा स्कैम है मेरे साथ, मैं जब भी बिल्कुल अलर्ट रहता हूँ कोई खतरा नहीं रहता। एंड जैसे मैं थोड़ी बहुत ढील छोड़ता हूँ भाई, पता नहीं कहाँ से 10 बंदे आ जाते हैं। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ अपार्टमेंट के पास, अराउंड 3 मिनट हो जाती है मेरे को और मैं बोर हो चुका था, कसम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था इस टाइम पे, क्योंकि यार कोई तो मिले लड़ने के लिए। जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, 19 बंदे अलाइव हैं एंड स्टिल कोई भी नहीं आ रहा, बस एक बोट होता है नीचे जिसको मैं बिल्कुल नहीं मानना चाह रहा था। वापस से 3 मिनट हो जाती है एंड अब 7 बंदे बचे थे बस। अब भी अगर कोई नहीं आया ना भाई, फिर तो समझ लो बोट ही है सारे के सारे। ये तुम्हें लग रहा होगा बॉट है, बट नहीं, ये रियल होता है। मतलब हाँ, बॉट से भी ज़्यादा गया गुजरा प्लेयर था ये, बट था ये रियल प्लेयर ही, क्योंकि मैंने मतलब ये नोटिस करा, ये फन फैक्ट है कि बॉट की ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऊपर की और नीचे की आउटफिट सेम है। मतलब शर्ट भी उसकी देखो वाइट थी और पैंट भी वाइट थी भाई, ऐसा नहीं होता, मतलब बिल्कुल नहीं होता। फिलहाल एक गाड़ी दिखी मुझे एंड अगर तुम देख पा रहे हो तो भाई बंदे लड़ रहे हैं किल फील्ड में, रियल प्लेयर्स। बट यहाँ पे लड़ो ना भाई, कहाँ लड़ रहे हो? अगर आसपास भी होते ना तो भी गन शॉट की वजह थी, बट भाई जोन के बाहर ही लड़ रहे हैं कहीं। एंड पर्पल आउटफिट वाला बंदा आ चुका है, इसलिए मैंने इसे यू नो बोला था कि इंपॉर्टेंट है याद रखना भाई, टीचर्स की तरह साउंड करें बहुत ज़्यादा। इस नकली बोट को फिनिश करा, इन्हें इतनी देर से टिक टिक मचा रखी थी नीचे, अब
क्योंकि देखो अगर तुमने स्पॉट देखा हो ढंग से, जब मैं उस बंदे पे एम कर रहा था पर्पल आउटफिट पे, तो पीछे से एक और गाड़ी आई थी पीछे वाले पहाड़ पे, तो मेरे ख्याल से ये टीममेट्स ही हैं दोनों, क्योंकि अगर इतनी पास होकर भी वहाँ से गनशॉट्स की आवाज़ नहीं आ रही तो मतलब वो दोनों बंदे टीममेट ही हैं, है ना। तो इसलिए मैं नीचे आया कि भाई अब सीरियस हो जाना चाहिए, अब फाइनली कोई कस्टमर आ चुका है, एंड उसे एंगल मिल रहा था, पूरा एंगल मिल रहा था, बस पता नहीं उसे शूट क्यों नहीं करा, मे बी उससे गलती हो गई हो, एंड मुझे नहीं लगता बार बार वो कह देगा, तो मैं पहले ही सेफ साइड पे आ जाता हूँ नीचे। मैं मानता हूँ यहाँ पे मैं गलत एम कर रहा था, बट कई बार सही भी एम कर रहा था, पता नहीं क्यों गोली नहीं लगी। तो मैं M4 से ट्राई करता हूँ एक बार, भाई एक हेडशॉट का बचा है वो, और ज्यादा ज्यादा दो बॉडी शॉट, बस एक और लग जाए। नीचे कूद गया, पक्का नॉक होएगा ये, अब पता था मेरे को, एंड थैंक गॉड नॉक हुआ ये, सोचो अकेला प्लेयर होता मेरा किल निकल जाता। लेफ्ट में तुमने देखा उसका टीममेट इंस्टेंटली आता है मिरांडो लेके, बट देरी हो गई भाई, मैं बहुत घटिया किल चोर हूँ, वैसे मैंने ये किल चोरी नहीं करा था, ऑलमोस्ट यू नो 90% मैं डैमेज दे चुका था, तो इस पे मेरा ही हक था। अभी बंदा स्पेड के पीछे होता है जहाँ पे मैंने एम कर रखा था, एंड फिर मैंने देखा भाई जोन तो उसकी उसी की तरफ बना है, तभी ये बंदा मेरी तरफ आ नहीं रहा, इसलिए वो टिप ले रहा है, तो मेरे को फटाक से खिसकना चाहिए। एक स्मोक होल मैंने बनाई जो कि अक्सर इन चीटर्स के सामने हेल्प करते नहीं, बट फिर भी यार फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ही लेते हैं। टीपी पे ले रहा था ये, ग्रेनेड फेंक के इसको वहां से हिलाया मैंने, और एक इजी किचन डिनर, एक किल और मिल जाता है कोई कहीं से भी तो मैं एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यस डबल डिजिट किल हो गए, 10 किल कर लिए बंदे ने। वेल ये थी आज की वीडियो, होप सो तुम्हें मजा आएगा, जरा से मजा आता है सब्सक्राइब करके जरूर जाना, नीचे एक बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करके सॉल्व पे जरूर सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ कल, बाय।